हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही अच्छी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो मटर आलू तो आपने बनाया होगा, गोभी आलू तो आपने बनाया होगा, लेकिन मटर आलू गोभी टमाटर और ये मूली, ये मैं आज मिक्स वेजिटेबल इसे रेडी करूँगी। तो हमने मिक्स वेजिटेबल रेडी करने के लिए, इसकी रेसिपी बनाने के लिए, इसकी सब्जी बनाने के लिए हमने गोभी को इस तरह से कट कर लिया है, आलू को भी हमने गोल गोल शेप में कट कर लिया, मटर को हमने छील लिया है, दो हमने टमाटर रख लिया और एक रख लिया मूली, जिसे मूली को भी हमें गोल गोल शेप में ही कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें कट करके शेप कर लेना है। तो कुछ मसाले का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने लिया एक बड़ी प्याज, एक लहसुन जिसे हमने छोड़ा लिया है रफली कट में, हमने प्याज को कट कर लिया है, और आधी चम्मच हम जीरा और काली मिर्च लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। तो इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे। एक पैन हम गर्म करेंगे और उसमें हम तेल को डालेंगे, तेल अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो लगभग हमने 3 से 4 चम्मच तेल डाला है मीडियम साइज़ की चम्मच से, और इसमें हम लेंगे कुछ गर्म मसाले। तो गर्म मसाले में हमने बहुत सारा चीज़ नहीं लिया है, तो लकड़ी ले लिया, एक बड़ी इलायची का ले लिया, और थोड़ी सी हमने एक चुटकी जीरा ले लिया। तो इससे तेल जब गर्म हो जाए तो इसे हम शेप लगाएंगे। तो तेल मेरा लगभग गर्म हो चुका है, तो इसे हम बना लेते हैं। उसे ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। लगभग ये मेरा जीरा जो है ब्राउन हो चुका है गर्म मसाला, तो हम इसमें थोड़ा सा मसाला डाल करके इसे हम सारे मसाले को इसमें हम डाल देंगे। पीसे हुए मसाले डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सूखे हुए मसाले। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर, एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच डालेंगे भर के धनिया पाउडर, मिक्स कर लेंगे इसे। नमक हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे आलू, आलू को 2-3 मिनट तक लगभग पकाएंगे इसमें मसाले के साथ। 2-3 मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे गोभी, गोभी और मूली। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ढक करके 2-3 मिनट से लगभग हम पकाएंगे। थोड़ी देर से पकाने के बाद हमने थोड़ा सा डाल दिया था इसमें पानी, और फिर हम डाल देंगे मटर, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें अच्छी फ्लेवर लाने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच लगभग कसूरी मेथी। इसे बहुत ही अच्छी टेस्ट है, बहुत अच्छी फ्लेवर आती है, तो इसे डालना बिल्कुल भी ना भूले। तो इसे हम ढक करके हम इसे गलने तक पकाते हैं। थोड़ी देर इसे लगभग पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसे हल्का सा भून करके इसमें हम डाल देंगे पानी, क्योंकि हम इसे ग्रेवी वाले मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। तो इसे हम लगभग मेरा जब इसमें का पानी पूरा इसमें निकल जाए, निचोड़ जाए, तो फिर इसे तेल तेल जब छोड़ दे तो इसमें पानी ऐड कर देंगे।
सर देखिए इसमें तेल तेल छोड़ दिया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी। ग्रेवी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से इसकी टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो सकती है, तो अपनी ग्रेवी को ना हिसाब से ही हम बनाएंगे। फिर लास्ट में हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता। और फिर इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे और ढक करके इसकी खोल लगा करके हम उतार लेंगे, क्योंकि सब्जी मेरा 1 से 2 मिनट और तक पकेगा और उसके बाद से ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए ग्रेवी भी इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बन चुकी है। मिक्स वेजिटेबल मेरी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे हमें अपने बर्तन में शक करके दिखाती हूँ कि इसकी टेक्सचर कैसी है, ये देखने में कैसा लगता है, खाने में कैसा लगेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ।